Ladies and gentlemen, please raise for the national anthem. Janagana mana adhinayaka jayahe Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gatha Janagana Mangala Dayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़े ही खास कार्यक्रम में यादों की बारात चेंबूर कर्नाटक हाई स्कूल 50 साल पूरे कर रहे हैं गोल्डन जुबिली बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको और मुझे बेहद खुशी है कि वहां पे सीटियां भी बज रही हैं तो जरा हिसाब किताब बराबर रहेगा क्योंकि रेडियो सिटी से गौरव यहां पर आपके साथ है कल भी आज भी ये शो मैं करता हूं रात 9 बजे ऑन एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 और जैसा कि शो का नाम है यादों की बारात तो बहुत सारे किस्से बड़े अनोखे बड़े मजेदार वाकये जो हैं वो मैं आज आपके साथ जरूर बांटूंगा और बड़े ही जबरदस्त गायक गायिकाएं और ये साजिंदे जो हैं वो आपका मनोरंजन करेंगे और हर एक अच्छा आरजे जो काम करता है मैं भी वही करूंगा कि गाने ज्यादा बातें थोड़ी कम तो बड़े जबरदस्त अंदाज में एक गाना आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे एक बड़ी अनोखी गायिका हैं बड़ी मुख्तलिफ आवाज है इनकी बड़ी चंचलता है इनकी आवाज में और बड़ी अनुभवी हैं
मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें रैना लहिरी जी का। रैना जी आइए मंच पर। Shine.
बहुत खूब रैना जी. और देखिए, मैंने आपसे जिक्र किया था कि कुछ बड़े अनोखे किस्से सुनहरे दौर के जो कलाकार हैं उनकी जिंदगियों से जुड़े आपके साथ बांटूंगा. तो जरा ले चलता हूँ आपको उस दौर में जहाँ पे सिर्फ एक ही रेडियो स्टेशन हुआ करता था. अब तो खैर जमाना बदल गया, बहुत सारे रेडियो स्टेशन आ गए, पर एक ही होता था और लाइव परफॉर्मेंसेज ज़्यादा होती थी. तो रफ़ी साहब, उनको बुलावा आया कि भाई आप आएँ और रेडियो स्टेशन पर परफॉर्म करें. तो रफ़ी साहब ने अपने चेले को फ़ोन किया. चेला कौन? महेंद्र कपूर साहब, जो कि आगे जाके बड़े अच्छे गायक बने और दोनों ही पंजाबी, रवि साहब भी पंजाबी, महेंद्र कपूर साहब भी. तो रवि साहब ने कहा कि महेंद्र की कर रहा है? कहता मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. कहता आजा तानपुरा तू संभाल ले और मेरा गाना है रेडियो पे. तो चले गए जी गाने पे, वो इन्होंने प्रोग्राम दिया अपना. इतने में बाहर जो है बहुत सारे युवाओं को मालूम पड़ गया कि रफ़ी साहब ही अंदर गा रहे हैं. तो वो लोग इकट्ठे हो गए बाहर की, जब रफ़ी साहब बाहर निकलेंगे तो हम इनसे ऑटोग्राफ लेंगे. और ये वो ज़माना था जब बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह भी नहीं हुआ करती थी कि मालूम पड़े कि प्लेबैक सिंगर कौन है, उसकी शक्ल कैसी है. तो जब रफ़ी साहब बाहर निकले साथ में महेंद्र कपूर निकले, तो सभी यंगस्टर्स उनके पीछे पड़कर कहने लगे ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ. तो रफ़ी साहब ने हल्के से महेंद्र कपूर से पूछा, तो महेंद्र ये ऑटोग्राफ की होता है? कहते जी कुछ नहीं जी, वो अपना नाम लिख के साइन करना पड़ता है, बेस्ट विशेस देनी पड़ती हैं. तो रफ़ी साहब ने कहा यार देख, इन्हें क्या पता कि रफ़ी कौन है महेंद्र कपूर कौन है, तू ही साइन कर दे. तो महेंद्र कपूर रफ़ी साहब बने, उनके ऑटोग्राफ दे रहे थे रफ़ी साहब की जगह. इतने भोले, इतनी मासूम शख्सियत रही रफ़ी साहब की. और उन्हीं के अंदाज का एक बड़ा ज़बरदस्त गाना जो है वो अभी आपके सामने आएगा. और उसे परफॉर्म करने के लिए एक बड़े अनोखे गायक आ रहे हैं जिन्होंने देश में विदेश में हर जगह अपना एक अलग मकाम हासिल किया है. और बड़ी मीठी आवाज़ है इनकी, ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें सर्वेश मिश्रा जी का. सर्वेश जी आइए मंच पर. थोड़ी तालियां हो जाए गाने के साथ. गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया. दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे. तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे कार पे. मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा. बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया. गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. सदा चाहा यही दामन बचा लू हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं. तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर. सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया. गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको और मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया. थैंक यू.
आज जितने भी मोर हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत सारे मोर देने वाले हैं हम आपको। देखिए, एक अजीबोगरीब कंपटीशन होता है मियां बीवी में, हस्बैंड और वाइफ में, कि वाइफ कभी कभी जो है उसे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है और हस्बैंड कहते हैं यार कर लेंगे आराम से, कर लेंगे। ऐसा ही पंचम दा और आशा जी के बीच में भी हुआ। आशा जी जो हैं बहुत सफाई पसंद महिला, और आर डी बर्मन साहब मस्त मौला, रिकॉर्ड्स फैले हुए हैं, फैले रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा आशा जी जो हैं उनके रिकॉर्ड्स समेट के रख देती थी, और पंचमदा कहते हैं आशा क्या करती हो तुम, ऐसा मत किया करो, क्योंकि मैं ढूंढ रहा होता हूँ कौन सा गाना कैसा म्यूज़िक है, मैं सुन रहा होता हूँ। तो आशा जी मानती नहीं थी। तो जब आशा भोसले जी का बर्थडे आया तो पंचमदा ने एक बुके दिया, बुके फूलों का गुलदस्ता, और उसके बीच में एक झाड़ू लगा के दी, एक सोने की बंगड़ी दी, बंगड़ी के नीचे भी छोटा सा झाड़ू लगा के दिया। तो बहुत सफाई का शौक है ना जिंदगी भर, सफाई के तुम याद रखना तुम्हारे बर्थडे पर झाड़ू ही मिलने वाले हैं तुम। खैर, झाड़ू दिल्ली वालों को ज़्यादा मिले, यहाँ नहीं मिले। और अभी जब आशा जी का जिक्र हुआ है, पंचमदा का जिक्र हुआ है, तो एक बड़ा ज़बरदस्त गाना मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने आए, और एक बड़ी अनोखी गायिका जो है वो मंच पर आने वाली हैं। बहुत वरिष्ठ, रियलिटी शोज़ हों, एल्बम्स हों, प्लेबैक हो, हर जगह पर इन्होंने बहुत अपना एक अलग मकाम हासिल किया है। बड़ी परिपक्व आवाज़ है, और आज की शाम की ये पहली एंट्री ले रही हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सरिता राजेश का। सरिता जी आइए मंच पर। Thank you.
बहुत खूब सरिता जी. और देखिए 50 साल की खुशी मनाई जा रही है, तो एक वक्त वो भी रहा होगा जब बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स खींची गई होंगी, स्कूल की एल्बम में भी वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स नज़र आती होंगी, शादियों के एल्बम में भी नज़र आती होंगी. और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ब्लैक एंड वाइट गाना ही अभी आपके सामने आने वाला है. शंकर जयकिशन की जोड़ी का आपने नाम सुना है, महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन, तो उनका ये बनाया हुआ गाना है और राज साहब पर फिल्माया हुआ. राज कपूर साहब से एक बार उनकी वाइफ ने कहा कि आप क्या आरके स्टूडियो बना रहे हो, मैं किराए के घर में रहती हूँ, मुंबई में लोगों के पास घर नहीं है और मुझे भी अपना घर चाहिए, मैं कब तक किराए पर रहूँगी. और तब राज साहब ने एक ही बात कही थी और कहा था कि जिनके घर बन जाते हैं उनके स्टूडियो नहीं बनते, लेकिन जिनके स्टूडियो बन जाते हैं वो ज़रूर घर बना लेते हैं. तो पहले मैं स्टूडियो बनाऊँगा और फिर घर की तरफ रुख करूँगा. तो ये जज्बा था उस दौर के फिल्मकारों का, गायकों का, संगीतज्ञों का. और राज साहब अनोखा गाना है मुकेश जी का गाया हुआ, और एक बड़े ही अनोखे गायक आपके सामने आने वाले हैं. और बहुत कठिन है मुकेश जी के अंदाज को स्टेज पे परफॉर्म करना, और ये गायक ये काम करते हैं. बड़े ही मिलनसार, बड़ी भोली आवाज़ है इनकी, मासूमियत इनकी आवाज़ में. और मैं चाहूँगा कि आज की शाम की ये पहली एंट्री लें तो ज़ोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए. संजय कोरगांवकर जी, संजय जी आइए मंच पर. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर है, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारो दिल के हम अमीर है. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम.
रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। बहुत खूब संजय जी, बहुत बहुत जबरदस्त ये गाना आपने हमारे सामने रखा। और अभी एक बड़े ही अनोखे कलाकार का तारुफ मैं आपसे कराना चाहता हूँ। अल्फाज थोड़े कम पड़ रहे हैं, शब्द थोड़े कम पड़ रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ढूंढ के ला सकूँ। और इन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना एक अलग मकाम मुंबई स्टेज पर, विदेशी स्टेज पर कायम किया। चाहे वो एल्बम्स रहें कि प्लेबैक सिंगिंग रही, हर जगह पर काफ़ी संघर्ष किया। और फिर जो अपना नाम कमाया वो वाकई उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए, मैं कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहा हूँ। खेल रहा होता तो ज़रूर आपकी आपके जवाब को मैं कहता कि हाँ कुछ आपको मिलेगा। इसका जवाब मैं दे नहीं सकता हूँ, इसके जवाब के लिए काम करते हैं। एक एवी है, मैं चाहता हूँ पहले हम उसे देखें फिर आगे की बातचीत करेंगे। कैन वी प्लीज हैव द एवी? Ladies and gentlemen, now let's welcome and put your hands together for one and only, one of the finest and the most versatile singer who has got acclaim not just in India but abroad as well. The finest voice of Kishore Kumar, Rajesh Iyer.
बढ़िया हाथ से चला रहे अभी बाड़े सभी लोग बचना ए हसीनो तो मैं आ गया बचना ए हसीनो तो मैं आ गया हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा बचना अपनी अदा है यारों से जुदा है बचना है हसीन हो तो मैं आ गया राजेश जी ये आप ही के स्कूल से हैं आप इन्हीं के स्कूल से हैं यहाँ पे आपके जूनियर्स भी आए हुए हैं सीनियर्स भी आए हुए हैं क्लासमेट्स भी आए हुए हैं कुछ ऐसा सीन है टीचर्स भी हैं टीचर्स को नमन पहले टीचर्स को मेरा नमन और स्कूल की क्या बातें आपको याद हैं और मुझे बेहद खुशी है कि घर का बच्चा घर वापस आया है और एड फंड रेजिंग कार्यक्रम करा जोरदार तालियां राजेश जी के लिए एक बार फिर तो आप ये बताएं आप स्कूल में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे या बैक बेंचर थे बैक बेंचर अक्सर टैलेंट ना बैक बेंच में मिलता ज्यादा जाके अक्सर मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया जाता था अच्छा पनिशमेंट मिलती थी अच्छा और ऐसे कुछ टीचर थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कान पकड़ के मुझे मारा भी था बहुत बार अच्छा लेकिन ठीक है हां भाई उसी मार में तो प्यार है भाई वो ना माने तो सोना तपेगा कैसे तभी तो राजेश अय्यर बने और अपने सभी लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं मैं देख रहा हूँ बहुत जोश है इनमें एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं
यहाँ पे ऊपर जितने भी लोग हैं, ये लोग कानसेन भी है तानसेन भी है? कानसेन नहीं समझ में आया, तानसेन तो खैर चलो यहाँ पर हो रहा है। कानसेन मतलब वो लोग हैं जो अच्छे गीत कान से सुनते हैं। ओके ओके। और तानसेन वो लोग हैं जो अच्छे गीत कान से सुनते हैं और यहाँ पर मनी मन गाते हैं, मनी मन गाते हैं। तो एक काम करना है मुझे। हाँ बताइए। ये जितने भी तानसेन हैं यहाँ पर उनको हम भीमसेन बना देते हैं। भीमसेन बनाओगे? हाँ। गाएंगे ये लोग? भीमसेन मतलब क्या? मतलब नहीं मारने वाले वाला जाबी तो। भीमसेन वो लोग हैं जो गाएंगे मेरे साथ आज। अच्छा क्या बात है, गाएंगे आप लोग सभी लोग ऊपर वाले? ठीक है ओके। हे हे क्या बात है, भीम से नहीं है। ला 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 ला। ये बात होरड़ी है होरड़ियों होरड़ी है। ये बात होरड़ी है होरड़ी है होरड़ी है। हो जाए कुछ चूर डिर डिर पपर, कोई तो बोलो यार। चूर डिर डिर पपर। ये बात वन वन टू वन टू थ्री फोर। पूरे हाथ से बदला एवरीबॉडी। Yori yundi yundirade, yundi yundirade. Yori yundi yundirade, yundi yundirade. मैं हूँ झुम 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 झुमरो पकड़ को पढ़ के घुमरो मैं ये प्यार का गीत जो सुनाता चला। वो मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ा चला। और मैं हूँ झुम 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 झुमरो पकड़ दो पक्के घुमरो में ये प्यार का गीत तो सुनाता चला। वो मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर बीती बातों पे धूल उड़ा चला। और डे पका टूटा पका और डे पपर मिनी 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 प्री और डे पका टूटा पका और यार लड़ी और लड़ी और लड़ी और डे। और मैं हूँ झुम 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 झुमरो पकड़ दो पड़ के घुमरो साथ में हम सफर ना कोई कारवा। बोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमान। और डे भगा लूं का पता और डे भगा लूं का पता और यार लड़ी और लड़ी और लड़ी और डे। मैं हूँ झुम 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 झुमरो पकड़ दो बनके घुमरो प्यार सीने में है हर किसी के लिए। तो मुझको प्यारा हर इंसान दिल वालों पे हूँ कुर्बान जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। और डे 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 मैं हो झुम 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 झुमरो पकड़ को पड़के घुमरो में ये प्यार का गीत सुनाता चला। वो मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर विधि बातों पे ढोल उड़ाता चला।
everybody. Put your hands together. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yatti yatti hey, yatti yatti ho, yatti yatti hey, yatti. Yatti yatti hey, yatti yatti ho, yatti yatti hey, yatti. Adi 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 o adi 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 o adi 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 o adi 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 o o ha 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 he 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 adi adi he adi adi o adi adi he adi. Rajesh ji. आप यहाँ से जाएं उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ. यादों की बारात ये कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा रहता अगर आप ये गाना नहीं गाते. उसकी वजह ये है अच्छा कि इसी हॉल में लगातार 7 सैटरडेज किशोर दा ने परफॉर्म किया था और हर शो में उन्होंने ये गाना जरूर गाया. थैंक यू राजेश जी फॉर परफॉर्मिंग दिस सॉन्ग फॉर अस. थैंक यू. और अब 50 साल का लंबा सफर है. गुजरे वक्त की बात भी हो रही है, आज के वक्त की हम बात करेंगे. कुछ ऐसे गाने भी हैं जो बिल्कुल आज के हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा चले आ रहे हैं, और जो गुजरे वक्त के गाने हैं वो और भी ज़्यादा ताज़े होते हैं. मुझे लग रहा है पेपर लीक हो गया, किसी को मालूम पड़ गया गाना कौन सा है. नहीं, स्कूल के फंक्शन में पेपर लीक की बात नहीं करनी चाहिए. तो अभी ये जो नया गाना है इसके बारे में मैं ज़्यादा कहूँगा नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा दूँ. अब समझते नहीं समझते, समझदार को इशारा काफ़ी है. सर्वेश जी एंड रैना जी आप आइए और आप आके ये बात हमें समझाइए ज़रा. समझावा कि न तेरे बिन लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिन लगदा जी. तू की जान प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान. तेनू समझावा कि न तेरे बिन लगदा जी. तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी. मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिन जी. मेरे दिल ने चुने
समझाने वाली बात ना 14 फेब को करनी चाहिए, 1 अप्रैल को नहीं करनी चाहिए, कोई समझने को तैयार नहीं होता। देखिए एक बड़ा अनोखा किस्सा मैं चाहता हूं आपके साथ बांटूं कि अनजाने में सत्यजीत रे बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हुए, अनजाने में सत्यजीत रे ने हमें एक सुपरस्टार दे दिया। उस सुपरस्टार के साथ कभी काम नहीं किया, उसे अपनी फिल्म में कभी काम नहीं कराया, लेकिन वो हमें मिला कैसे किस्सा बयां करता हूं। हुआ यूं कि सत्यजीत रे साहब एक फिल्म बना रहे थे और कलकत्ते में फिल्म बना रहे थे और एक फिल्म बम्बई में बन रही थी। बम्बई की जो फिल्म बन रही थी उसमें बहुत सारे लड़के, नए लड़के काम कर रहे थे। उनमें से एक लड़के को सत्यजीत रे ने बुला लिया कलकत्ता कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे यहाँ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करो। वो लड़का चला गया। अब मुंबई में जो फिल्म बन रही थी उसमें एक जगह खाली थी और वो एक जगह इत्तफाकन एक नए लड़के को दी गई, चलो यार एक रोल तुम भी निभा लो, हमें वैसे भी एक लड़के की ज़रूरत है। उस लड़के ने वो रोल निभाया। जो लड़का असिस्टेंट डायरेक्टर बना रे साहब का वो हुए टीनू आनंद, और जिस लड़के ने टीनू आनंद की जगह रोल किया मुंबई वाली फिल्म में वो लड़का बना अमिताभ बच्चन। फिल्म बहुत साथ हिंदुस्तानी, साथ हिंदुस्तानी में टीनू आनंद को कास्ट किया गया था और रे साहब ने बच्चन साहब को कभी काम नहीं दिया। हाँ शतरंज के खिलाड़ी फिल्म में एक नरेशन का काम जरूर दिया था कि भाई तुम वॉइस ओवर दो, तुम्हारी आवाज़ में बहुत दमखम है। अब ये बता दिया, बच्चन साहब का जिक्र आया है तो रेखा जी का भी जिक्र बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो गाना भी ऐसा सुनाते हैं जिसमें ये डुएट है, ये दोनों ही इसमें थे। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि राजेश जी आप आए मंच पर और सरिता जी सरिता राजेश जी आप भी आए मंच पर। तुझको दे दिया
लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम जो सबको बताए, मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आए इस खुशी में हम नाचे गाए, किसको पता सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ थैंक यू सरिता जी, थैंक यू राजेश जी, और साथ ही मुझे बेहद खुशी है आपको ये बताते हुए कि 1978 बैच से आप ही के एक स्टूडेंट हैं, डॉक्टर अजीत मेनन, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं लीलावती हॉस्पिटल में. डॉक्टर मेनन इज हियर, वेलकम टू योर ओन स्कूल एक्चुअली. और आप डॉक्टर बन गए, बहुत सारे लोग इंजीनियर बनना चाहते थे, है ना, बहुत सारे लोग कुछ और भी बनना चाहते थे, और ये व्हाट्सएप ने सब कुछ खराब करके रख दिया है. मैं वजह बताता हूँ आपको, क्या अभी तो ग्रुप बना लेते हैं, हाय कैसा है तू, क्या कर रहा है, पर वो जो व्हाट्सएप जब नहीं था ना, तब जब एक स्टूडेंट्स मिलते थे, क्लासमेट्स मिलते थे, कैसे मिलते थे, ओ तेरी तू, और फिर वो अच्छी खासी वो श्लोक बोले जाते थे एक दूसरे को, क्या कर रहा है ये, और वो होता था. अब वो सब मिस करते हैं हम लोग, बड़ी अच्छी बात है, एटलीस्ट ग्रुप बन जाएंगे, हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं इसके जरिए. और डॉक्टर इंजीनियर की मैंने बात की है, पर इसके साथ एक और बात करनी पड़ेगी, जो टीचर बोला करते थे कभी कभी, यू आर गुड फॉर नथिंग, और पापा तो बोला करते थे ये मेरे घर में क्यों हुआ, है ना. और लड़कियों को कभी कभी कहा जाता था कि अगर पढ़ाई नहीं होता तेरा शादी करा देगा, है ना, ये सारी बातें भी होती थी. बट सपने जो है ना, अगर आप सपनों को नहीं देखेंगे तो सपने साकार भी नहीं होंगे. बहुत सारे सपने स्कूल में ही रहते हैं, कॉलेज में ही जाते हैं, और एक सपना जो आपने भी देखा था, हमने भी देखा है, आप ही के सामने रखने की कोशिश करेंगे. आप भी साथ में गाइएगा, गुनगुनाइएगा. राजेश जी यहाँ पर हैं, मैं बाकी के मेल सिंगर्स से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो लोग भी धीरे धीरे करके ज्वाइन करें. गाना कौन सा आप समझ जाएंगे, मैंने पापा की बात कह दी है वैसे. This is for all the students, my ex-students, my classmates, my batchmates. Come on, everybody. Put your hands together. दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोच रखा. नो रियली आई मीन इट. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ. करेगा
बढ़िया हो जाए घर बड़े यहाँ की खुश चेंबूर तक जाना चाहिए बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में अरमाए हैं बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में अरमाए हैं ओ जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा सपना है एक चेहरा देखो जो उसको झूमे बाहर मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर कालों में खिल कलियों का मौसम आंखों में जादू होठों में प्यार बंदा ये खूबसूरत काम करेगा दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम कोरस हमारे कोरस सिंगर्स रुकिए जरा एक मिनट के लिए रुकिए आपने पापा के कहने पे तालियां बजाई राजेश जी के गाने पे साजिंदों के बजाने पर हमारे कोरस सिंगर्स जिन्होंने क्या रंग जमाया इस गाने में उनके लिए जोरदार तालियां कितना नेचुरल कितना जबरदस्त ये रहा और अभी वो बात करेंगे जो जिसके लिए पापा ने मम्मी ने सबने मना किया था पर वो बात आने वाली है इस गाने में जो गाना भी आपकी तरफ आएगा पर उसके लिए एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ आपने मनमोहन देसाई साहब की ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ मनमोहन देसाई ये जो हैं स्टंट फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए बड़े भाई ने वाला कुछ काम नहीं करता चल असिस्टेंट डायरेक्टर बन जा स्टंट फिल्मों में ये असिस्टेंट बने पर इन्हें ना अपनी पड़ोस की लड़की से प्यार हो गया लड़की का नाम प्रभा ये गुजराती लड़की महाराष्ट्र और लड़की से कहा जाके इन्होंने कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो लड़की ने कहा ये बातें मुझसे मत करो मेरे घर वालों से करो तो मनमोहन देसाई ने अपनी माँ को भेजा माँ गई लड़की वालों से बात करने के लिए लड़की वालों ने रिजेक्ट कर दिया नहीं जी हमारे कल्चर अलग है नई बात बनेगी और माँ आ गई रिजेक्ट होकर माँ ने कहा बेटा वो मान नहीं रहे हैं इतने में दो तीन रिश्ते आ गए उस लड़की के लिए मनमोहन देसाई साहब ने कहा अच्छा लड़के वाले आ गए तो मनमोहन देसाई कहते हैं मैं अब जाके मैं बात करूँगा ये गए लड़की के माँ बाप के पास और कहने लगे कि आप अपनी लड़की का भला चाहते हैं जाहिर सी बात है आप उसके लिए अच्छा ही लड़का ढूंढेंगे बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ जहाँ चाहे वहाँ शादी कर दीजिएगा लेकिन अगर कोई लड़के वाला यहाँ पर आया ना तो मैं आपको बता दूं मैं स्टंट फिल्मों में काम करता हूं जितने स्टंट मैन हैं मेरे दोस्त हैं मैं आपको तो कुछ नहीं करूंगा पर वो लड़का सीढ़ी उतर के जाएगा ना उसको मैं देख लूंगा
उसका असर हुआ, न जाने किस बात का असर हुआ, मनमोहन देसाई साहब की शादी हो गई प्रभा से, जीवन प्रभा से शादी हुई, उन्हीं से बच्चे भी गए। तो ये मनमोहन देसाई साहब की फितरत थी, कुछ भी कर सकते थे, फिल्मों में भी कुछ भी कर सकते थे, तीन भाई अलग अलग खून दे रहे हैं, एक माँ को जा रहा है, वो कुछ भी कर सकते थे। और जब मनमोहन देसाई साहब की बात हुई है तो अरे आप तीनों आ गए यहाँ पर, मैं समझदार हूँ, मुझे इशारा काफ़ी है, प्लीज़।